Welcome to our new video of how to speak English confidently. But before we start with the session, I would request all of you to subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the for notifications for the further sessions. इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो. तो पिछले सेशन में तो मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश हम कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबलरी आना बहुत ज़रूरी है. अब वोकैबलरी के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वोकैबलरी इम्प्रूव करने के लिए हमें रीड करना है. रीड अलाउड, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए. अब आप जब पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के टाइम पे आपको जो वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, इसके मीनिंग्स मुझे नहीं आते हैं, उन मीनिंग्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए. फिर डिक्शनरी में उनके मीनिंग्स देखिए और उन मीनिंग्स को समझिए और उन नए वर्ड से सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिए. जब आप सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे तो आपको उस नए वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जब वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा तब आप ये कोशिश करिए कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उन न्यू वर्ड्स को अपने स्पीकिंग में यूज़ करें. तो धीरे धीरे आपकी इस तरह से वोकैबलरी बढ़ती रहेगी, आप नए नए वर्ड्स सीखते रहेंगे. और फिर भी अगर आपको कोई वर्ड कभी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, डिक्शनरी में देखने पर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप कॉमेंट सेक्शन में उस वर्ड को दे डालिए. मैं आपको उस वर्ड का मीनिंग आसान शब्दों में समझाऊंगी और मैं उस वर्ड से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करके भी बताऊंगी ताकि आपको वो वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए.